कल मैंने डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करी थी मैथमेटिकल टूल्स में, तो आज फिर बताता हूं मैं जब भी फिजिक्स की स्टार्टिंग करता हूं तो मैं पहले मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाता हूं, और टूल्स में आपके क्या क्या चीज आती है, आपको कौन कौन सी मैथ आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के बाद डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के बाद आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, और फिर आपको वेक्टर आना चाहिए। जब तक ये चार चीजें नहीं आएगी आप इसको हाथ मत लगाना, नहीं तो फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो गया, आप डीमोटिवेट हो गए। तो कल मैंने ट्रिग्नोमेट्री तो पहले पढ़ा चुका हूं, कल मैंने स्टार्टिंग करके डिफरेंशिएशन की, और डिफरेंशिएशन में बेसिकली मैंने फॉर्मूला बता दिया, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है वो मैंने आप लोगों को समझा दिया था। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में कौन कौन से फॉर्मूले थे मैं पहले फॉर्मूले को रिपीट कर देता हूँ और दो तीन एग्जाम्पल बताता हूँ, बच्चों को समझ में नहीं आया वो देख लेना एक बार। तो शायद ये आवाज क्लियर नहीं है, मेरी आवाज क्लियर नहीं है सर, आवाज सही से नहीं आ रही है सर। तो डिफरेंशिएशन हम पढ़ रहे थे, और डिफरेंशिएशन के मेरा वो आप वीडियो देख लेना, ठीक है, जो बच्चे आज नए हैं वो कल वाला लेक्चर एक बार देख लेना, डिफरेंशिएशन मैंने कल क्या पढ़ाया था आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है, वीडियोस वाले सेक्शन में डेमो क्लास ऑफ फिजिक्स में। तो देखो पहला जो फॉर्मूला था, कल वाला फॉर्मूला वापस बता देता हूं, अगर वाई इक्वल टू एक्स की पावर एन हो, वाई इक्वल टू एक्स की पावर एन हो और मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है डी वाई बाय डी एक्स, या फिर मैं बोलूं डी एक्स रेस टू पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। इसका छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे वाई इक्वल टू सपोज करो एक्स का क्यूब है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी एक्स क्यूब बाय डी टी, सॉरी डी वाई बाय डी एक्स लिखोगे आप, डी एक्स क्यूब बाय डी एक्स, यहां पर एन कितना है आपका, एन थ्री जो है वो एन की तरह काम करेगा, तो थ्री आगे आ जाएगा एक्स की पावर थ्री माइनस वन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा ये थ्री एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर। पहला फॉर्मूला समझ में आया सबको? यस सर। पहले फॉर्मूले में किसी को डाउट है? नो सर। एसपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? सोनू प्रकाश राय। सोनू प्रकाश का है, ठीक है। यस सर। सर एक बेसिक क्वेश्चन है सर। हाँ बेटा। सर डिफरेंशिएशन की यूज कब करते हैं सर? डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ करते हैं? जैसे मैं पूछूं व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट का। वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इसको लिखते हैं ds by dt। मैं पूछू एक्सीलरेशन क्या होता है, तो एक्सीलरेशन होता है dv by dt। तो ये एक्चुअल में क्या है, डिफरेंशिएशन है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। आया समझ में? कहां पर यूज होगा इसका, वो हम लोग जब काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे तब बताऊंगा मैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपका ये यूज होगा। सर जब क्लास हम 8 9 या 10 तक पढ़ते थे तो डी यूज नहीं करते थे भाई, बस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम यूज करते थे, डी इसमें यूज नहीं करते। जनरल साइंस जब आप पढ़ते थे उस समय जनरल साइंस पढ़ते थे। जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी दो तरह की होती है, एक होती है एवरेज वेलोसिटी, एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी वो तो सर्कुलर मोशन में हो गया। दो तरह की वेलोसिटी होती है, एक एवरेज होती है, दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को शो कर रहा है, मतलब सारी बात समझ। हाँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? चलो पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या था, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। डिफरेंशिएशन सी फॉर क्या है यहाँ पे, सी का मतलब कांस्टेंट, सी का मतलब है यहाँ पे कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। इसका रीजन है मैंने कल बताया था, ठीक है।
कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट को क्या होंगे, जितने भी नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर्स है वो सारे के सारे क्या होते हैं कॉन्स्टेंट। मैं बोलू 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो 2 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। मैं बोलू पाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो आप बोलोगे पाई का डिफरेंशिएशन भी सर 0 होगा, 0 होगा। ठीक है, नाउ फॉर्मूला नंबर 3, तीसरा फॉर्मूला देखो। मान लो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो और कॉन्स्टेंट के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा हो और x की पावर n हो, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन dy बाय dx लिखेंगे हम लोग। और ये जो कॉन्स्टेंट टर्म्स होती है ये कॉन्स्टेंट आ जाएगा बाहर, c आ जाएगा बाहर, अंदर आ जाएगा dx raise to power n by dx। अब ध्यान से देखो तो क्या ये फॉर्मूला नंबर 1 बन गया? Yes, sir. क्या ये फॉर्मूला नंबर 1 बन गया? तो क्या लिख सकता हूं इसको, c n x की पावर n माइनस 1। आया समझ में? इसका एग्जांपल ले लेते हैं कुछ। y इक्वल टू 2√x, y इक्वल टू 2√x, रूट एक्स का मतलब x की पावर कितनी, 1/2, x की पावर 1/2, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। Yes, sir. Yes, sir. तो dy by dx लिखेंगे, dy by dx 2 आगे आ जाएगा, dx की पावर 1/2 by dx। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1/2 आगे आ जाएगा, x की पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। क्या ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा फाइनली आपके पास, 1/2 माइनस 1 कितना होता है, x की पावर माइनस 1/2, x की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा। क्या यहां तक किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। आज मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूं जब मैं क्लास का लेक्चर खत्म करूंगा। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे दूंगा, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा। आप सभी के नंबर व्हाट्सएप नंबर है मेरे पास शायद? है सर। ठीक है, अच्छा मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास नहीं होगा, चलो आगे देखें। आप तीन फॉर्मूले हो गए, फॉर्मूला नंबर फोर y इक्वल टू अगर u प्लस माइनस v हो। अब यहां पे u और v क्या है, क्या कल मैंने आप लोगों को फंक्शन पढ़ाए थे? यस सर। u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, u एंड v आर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, फंक्शन का मतलब होता है कि x की कोई टर्म होगी, ये u और v क्या है, x की कोई टर्म होगी। मान लो u x स्क्वायर होगा, v आपका x क्यूब हो सकता है। फंक्शन के बारे में मैंने कल बताया था कल वाले लेक्चर में। ठीक है, तो आप एक बार वाला लेक्चर देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा u एंड v क्या है, फंक्शन है x के, मतलब x की कोई टर्म से ही। तो देखो डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका, dy by dx करोगे आप इसका तो क्या होगा, आप u का डिफरेंशिएशन अलग कर दो, प्लस प्लस साइन है तो प्लस लगाएंगे, माइनस साइन है तो माइनस लगाएंगे, प्लस या माइनस dv by dx। ठीक है, तो डी यू प्लस वी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं वाई इक्वल टू, थोड़ा अच्छा ले लेते हैं, रूट एक्स प्लस 1/√x, रूट एक्स प्लस 1/√x। तो आप देखोगे कि यहां पर क्या ये यू की तरह काम कर रहा है और ये v की तरह काम कर रहा है। तो देखो पहले y को लिखो, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट एक्स का मतलब है x की पावर 1/2, और 1/√x का क्या मतलब है, माइनस x की पावर कितनी, जल्दी बोलो x की पावर कितनी, माइनस 1/2 कितनी होगी, माइनस 1/2। डिफरेंशिएशन कर दो आप, dy by dx, d x की पावर 1/2 by dx प्लस
डी एक्स की पावर माइनस वन बाई टू बाई डी एक्स, क्या आप सॉल्व कर सकते हो? आप फॉर्मूला नंबर वन लगा दो इसमें, इसमें भी फॉर्मूला नंबर वन लगा दो, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्या आगे आ जाएगा? वन बाई टू आगे आ जाएगा, एक्स की पावर वन बाई टू माइनस वन, इसमें क्या आगे आ जाएगा? इसमें पूरा माइनस वन बाई टू आगे आ जाएगा, माइनस वन बाई टू एक्स की पावर माइनस वन बाई टू माइनस वन, फॉर्मूला नंबर वन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ये सॉल्व करेंगे तो आप फाइनली क्या आएगा, वन बाय टू एक्स की पावर माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी जल्दी बोलो? माइनस माइनस वन बाई टू माइनस वन, माइनस थ्री बाय टू। आया बेटा समझ में? यस सर। यस सर। जब भी प्लस या माइनस में हो तो उनका डिफरेंशिएशन अलग अलग करते हैं हम लोग। नेक्स्ट फॉर्मूला, ठीक है, मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भी दूंगा लेकिन अभी क्या क्वेश्चंस करवाने के टाइम नहीं है आप लोगों से, इसलिए आप लोगों को मैं होमवर्क में दूंगा। यू एंड वी आर फंक्शन ऑफ एक्स है। अब अगर मान लो यू और वी दोनों मल्टीप्लाई में हो, वाई इक्वल टू यू इंटू वी हो, तब क्या होगा? वाई इक्वल टू यू इंटू वी हो तो कैसे लिखेंगे इसको? डी वाई बाई डी एक्स, किसी भी एक को बाहर ले लो, यू को बाहर ले लो और वी का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर बीच में प्लस आएगा, ध्यान रखना बीच में प्लस आएगा, फिर वी को बाहर लो और यू का डिफरेंशिएशन कर दो। आई बात समझ में? मल्टीप्लाई में हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब यहां पर ये जो एक्स स्क्वायर है क्या ये u की तरह काम कर रहा है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वन पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो क्या ये v की तरह काम कर रहा है? यस सर। तो फॉर्मूला क्या बोलता है? डी वाई बाई डी एक्स, पहले ले लो u को बाहर, x square को बाहर ले लिया, v का differentiation करेंगे, dx square plus 1 by dx, फिर किसको बाहर लेंगे? x square plus 1 को ले लेंगे बाहर, अंदर होगा differentiation किसका? dx square by dx। अब कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसका अलग अलग करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अलग और वन का डिफरेंशिएशन अलग, इसके जस्ट पहले वाला जो फॉर्मूला था यू प्लस वी वाला उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहां पे बीच में प्लस आ रहा है। तो ब्रैकेट लगाओ, डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स प्लस डी वन बाय डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखो ये क्या, ये फॉर्मूला नंबर वन से सॉल्व होगा, टू जो है वो आगे आ जाएगा, एक्स की पावर टू माइनस वन। तो देखो क्या आएगा इधर, एक्स स्क्वायर, अब बताओ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा जल्दी बोलो, दिमाग में करो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? टू आगे आ जाएगा, एक्स की पावर टू माइनस वन, कितना होगा स्नेहा, विराज, सोनू? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा बेटा, 2x। yes, sir। 2x। चलो मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। किंजल, वन का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा? जीरो। वन वन क्या है? वन कांस्टेंट है, तो वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन
सॉल्व करो इसको, टू यहां पर भी 2x आ जाएगा, 2x। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो इसको, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स, टू एक्स क्यूब, मल्टीप्लाई करो, टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स, टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स क्यूब कितना होता है बेटा, फोर एक्स क्यूब प्लस टू एक्स, फोर एक्स क्यूब प्लस टू एक्स। आई बेटा बात समझ में, इसको नहीं आया सोनू, विराज, संजय, खुश आ गया, सबको आ गया ना, आश्चर्य, यस सर, पक्का ना, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप सभी को आए, ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो आप बीच में पूछ सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखें, अब नेक्स्ट अगला फॉर्मूला है, अगर मान लो यू और वी दोनों कैसे हो, डिवाइड में हो, फॉर्मूला नंबर 6, वाई इक्वल टू यू बाय वी हो, अब क्या करेंगे, तो फॉर्मूला क्या बोलता है, डी वाई बाय डी एक्स, ध्यान से देखना ये फॉर्मूला, सबसे ज्यादा जो गलती कर होती है इसी फॉर्मूले में होती है। पहले लेंगे v को बाहर, u का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर माइनस, फिर u को बाहर लेंगे और v का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिवाइड में ध्यान रखो यहां पर माइनस आएगा, पहली चीज यहां पर ध्यान रखना है माइनस आएगा, और पहले न्यूमरेटर ऊपर आता है, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, डिनोमिनेटर को आगे लेते हैं, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होता है माइनस, फिर न्यूमरेटर को आगे लेते हैं, सॉरी, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होता है, और नीचे क्या आएगा आपका, वी का स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन करते हैं, वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, इन फॉर्मूले को आपको याद होना चाहिए, कल मैं पूछूंगा, अगर कल क्लास में आप आए हो तो इन फॉर्मूले को पूछूंगा मैं, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए जो मैं लिखवा रहा हूं आप लोगों को, और मुझे नाम याद है आप सभी के। क्वेश्चन देखो, y इक्वल टू हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर ले लेता हूं मैं, तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वन है क्या ये u की तरह काम कर रहा है, और नीचे वाला जो x है ये क्या v की तरह काम कर रहा है, तो dy बाय dx क्या होगा, पहले v आएगा बाहर, v कौन है, एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन किसका होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय डी एक्स माइनस, अब कौन बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाहर आएगा, किसका डिफरेंशिएशन होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां तक क्लियर, अब इसको सॉल्व करना है बस, एक्स स्क्वायर बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x, 2x कितना होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का होता है 2x और 1 का होता है 0, 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x, 2x स्क्वायर का कितना होगा, जल्दी बोलो 2x, और नीचे क्या आ जाएगा, x की पावर 4, सॉल्व हो जाएगा, अब x स्क्वायर इंटू 2x, 2x का क्यूब, 2x का क्यूब यहां पे कितना आएगा, माइनस माइनस 2x का क्यूब, 2x क्यूब माइनस 2x डिवाइडेड बाय x की पावर 4, ये 2x का क्यूब है, ये माइनस 2x का क्यूब है, क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो, यस सर, फाइनली आपके पास बचेगा 2x डिवाइडेड बाय x की पावर 4, so, क्या एक x से x कट जाएगा,
u ऊपर जाएगा इधर फाइनली क्या आएगा माइनस टू बाई एक्स क्यूब माइनस टू बाय एक्स क्यूब समझ गया बेटा किसी को डाउट नो सर कोई भी स्नेहा किंजल खुश सर संजय नो सर के सच बताना झूठ मत बोलना चलो आगे देखो अब तो ये छह फॉर्मूले थे ये छह फॉर्मूले आपके ये थे एल्जेब्रिक फॉर्मूलेस ये सिंपल एल्जेब्रा वाले फॉर्मूले थे अब हम लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन क्या होता है तो उनकी वैल्यूज आपको बेटा डायरेक्ट याद रखनी है उनके प्रूफ्स भी है लेकिन हम लोग प्रूफ्स पे नहीं जाएंगे पहला फॉर्मूला है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स याद रखना है आपको कोई भी पूछे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आप बोलोगे कॉस एक्स और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस sin x क्या होगा माइनस sin x फिर tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा sec x square tan x का डिफरेंशिएशन sec square x यस सर cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cosec x जल्दी बोलो माइनस cosec x इंटू cot x बेटा ये डायरेक्ट ही याद रखना है आपको जो चीज याद होने वाली करने वाली हो मैं डायरेक्टली बोलूंगा आपको याद करो ठीक है इनको डायरेक्टली याद रखो इनके प्रूफ भी है ठीक है ऐसा नहीं इनके प्रूफ नहीं है इनके प्रूफ भी है लेकिन हमको प्रूफ नहीं चाहिए ठीक है हमको केवल फिजिक्स में जितनी मैथ्स यूज होती है उतना ही चाहिए ठीक है आप लोग जो मैथ्स के बच्चे हो वो इनके प्रूफ भी पढ़ेंगे वहां पर मैथ्स में कि साइन एक्स का कॉस एक्स क्यों होता है टेन एक्स क्यों नहीं होता डिफरेंशिएशन वो सारा रीजन उनको पढ़ा हुआ है ठीक है कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स फिर आता है आपका कॉट एक्स कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन सॉरी कॉट नहीं पहले sec x ले लेते हैं sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा sec x का होगा sec x dot tan x sec x dot tan x फिर आता है आपका cot x cot x का डिफरेंशिएशन cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आई बात समझ में माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा इसका डिफरेंशिएशन ठीक है ट्रिग्नोमेट्री के यही होते हैं साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट यहां पर एक चीज और देखो नोटिस करने वाली बात है ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिनका नाम सी से स्टार्ट हो रहा है सी फॉर कॉस कॉसेक कॉट उनके आगे ही माइनस लग रहा है जिनका नाम सी से स्टार्ट हो रहा है उन्हीं के आगे केवल माइनस लग रहा है ठीक है ये कोई लॉजिक नहीं है यहां पर कोइंसिडेंटली हो गया ऐसा ठीक है इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है वो तो मैं याद करने के लिए बता रहा हूं कि कहीं पॉजिटिव नेगेटिव का गलती ना करो आप लोग अब इसके बाद दो तीन फॉर्मूले और हैं उनको भी देख लेते हैं हम लोग बच्चों आप लोगों को लॉग के बारे में पता है लॉग क्या होता है सर लॉग सुना है बेटा लॉग लॉग टेबल लॉग लॉगरिथम लॉगरिथम जैसे मैंने बोला लॉग एट बेस टू इसकी वैल्यू कितनी होगी थ्री लॉग एक बेस टू थ्री कितनी होगी इसकी वैल्यू थ्री होगी देखो क्या मतलब होता है इसका टू की पावर कितनी करूं कि एट आ जाए टू पे पावर क्या रखूं कि एट आ जाए
टू पर पावर कितनी रखनी पड़ेगी आपको, टू पी पावर थ्री करना पड़ेगा, थ्री तभी एट आएगा। तो यहाँ पर लिखोगे आप थ्री ठीक है। मैं पूछू आपसे, लॉग हंड्रेड बेस टेन क्या होगा इसका आंसर? लॉग हंड्रेड बेस टेन क्या आंसर होगा इसका? टू टेन जल्दी बोलो। टेन इसका आंसर होगा टू। टू बेटा, टेन पे पावर क्या रखेंगे हंड्रेड आ जाए तो टेन का स्क्वायर करोगे ना तभी हंड्रेड मिलेगा हमको। उसी तरह से जो लॉग होते हैं, बेसिकली लॉग जो होते हैं जनरली दो टाइप के होते हैं। एक तो ऐसा लॉग जिसका बेस, एक का बेस क्या होता है टेन, और एक का बेस क्या होता है आपका ई। एक का बेस होता है ई, इसको नेचुरल लॉग भी बोलते हैं हम लोग। नेचुरल लॉग भी बोलते हैं। तो क्या लिखूंगा मैं, जैसे मान लो मेरे पास फंक्शन है लॉग एक्स और इसका बेस क्या है ई, इसका डिफरेंशिएशन करना है। देखो नेचुरल लॉग है तो इसको जनरली हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ln, ln, ln का मतलब भी क्या होता है नेचुरल लॉग, ln x का डिफरेंशिएशन, या फिर log x बेस e का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 by x। इसको याद रखना आपको, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 by x। और जो ये e था, अगर मान लो खाली e हो और e raised to power x हो, इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो e raised to power x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? Yes. e raised to power x ही होगा, e raised to power x का डिफरेंशिएशन। ये फॉर्मूले जितने भी बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ये आप लोगों को याद होने चाहिए, e raised to power x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e raised to power x ही होगा। फॉर्मूला नंबर 15, यहाँ पर e तो नेचुरल लॉग का बेस था। मान लो कोई भी कांस्टेंट हो a, उस पे पावर हो x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? a रेस टू पावर x ln a, ln मतलब log a कर दिया मैंने इसका, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a x log a बेस e। ये 15 फॉर्मूलेज है, इन 15 फॉर्मूलेज को आपको याद होने चाहिए रात के 2 बजे भी। बात समझ में आई मुझे? मेरी बात समझ में आई? ये 15 फॉर्मूले कल जितने भी बच्चे देखेंगे मुझे, ये 15 फॉर्मूले सबको याद होने चाहिए ठीक है। चलो 2 मिनट बचे हमारे पास, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज करो मुझे क्वेश्चन दे दिया y इक्वल टू x स्क्वायर साइन x, और मुझे फाइंड करना है क्या dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो यहां पर दो अलग अलग फंक्शन है, ये x स्क्वायर अलग है, साइन x अलग है, ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा, तो u इंटू v का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। क्या फॉर्मूला होता है याद है? u dv by dx plus v du by dx, u की जगह कौन आएगा x square, d sin x by dx plus v बाहर आ जाएगा sin x d x square by dx। अब डायरेक्ट लिखो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x, cos x आ जाएगा इधर, प्लस sin x, x square का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, 2x। फाइनली आपका आंसर लगा x square cos x plus 2x into sin x। तो कल हम लोग इस क्वेश्चंस पे फॉर्मूले पे और क्वेश्चंस करेंगे, आज हमारा टाइम यहीं पे खत्म होता है ठीक है। ये जो हमने लेक्चर पढ़ाया अभी,
कि कुछ टाइम बाद आपको ऐप के अंदर ही वीडियो का सेक्शन है डेमो वाले बैच में, उसमें आपको मिल जाएगा ये। तो जिसको कुछ समझ में नहीं आया वो एक बार देख लेना इसको, और मुझे व्हाट्सएप कर देना अपना नंबर।